एक ब्रेकिंग न्यूज मिली रहा छे। संजय राउत ना घर बहार शिवसैनिकों नो जमावड़ो जोवा मळ्यो छे। संजय राउत ना समर्थन में आव्या शिवसैनिकों, शिवसैनिकोए संजय राउत ना समर्थन में नारेबाजी करी छे। शिवसैनिकोए राउत ना घर बहार अड़िंगो जमाव्यो छे। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले शिवसेना ना राज्यसभा ना सांसद संजय राउत ना घरे आज ईडीनी टीम पहुंची छे। मुंबई ना बाडूप ना संजय राउत ना निवास स्थाने ईडीनी टीम पहुंची अटकायत करी। ईडीए संजय राउत की पूछपरछ करी छे। पूछपरछ माटे संजय राउत ने ईडी ऑफिसे लई जवाय तेवी संभावना छे। तमने जणावी दईए के 1034 करोड़ ना पाथरा चल कौभांड मामले संजय राउत की ईडी ने पूछपरछ करवानी फरज पड़ी छे। 1 जुलाई की पूछपरछ बाद ईडीए संजय राउत ने 20 અને 27 જુલાઈએ पूछपरछ माटे बोलाव्या हता। जो के संजय राउत त्या न पहोंच्या। संसद सत्र होवाना कारणे तेमणे पोताना वकील मार्फते सूचना मोकलीने 7 ऑगस्टे रजू थवानुं जणाव्युं हतुं। तपासमां सहयोग न आपवा मामले ईडीनी टीम संजय राउतना घरे पहोंची अने आज मुद्दे हवे शिवसैनिकोनो विरोध सामे आव्यो छे। शिवसैनिको अड़िंगो जमावीने संजय राउतना घरनी बहार बैठा छे, सूत्रोच्चार करी रह्या छे। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचार घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएसएल बिल्डर का घोटाला हो, माफिया गिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। तो संजय राउत ना घर बहार शिवसैनिकों एक तरफ जमाड़ो जोवा मळी रह्यो छे, तो बीजी तरफ जे ईडी द्वारा पूछपरछ करवामां आवशे। संजय राउत ना घर ईडीनी टीम पहोंची छे, तेज मुद्दे संजय राउत द्वारा एक ट्वीट पण करवामां आव्यो छे। ईडीनी कार्यवाही पर संजय राउत नो ट्वीट, मरी जईश परंतु सरेन्डर नहीं करूँ। संजय राउत द्वारा आ ट्वीट करवामां आव्यो, कहीं पण थाय शिवसेना नहीं छोड़ू, महाराष्ट्र अने शिवसेना लड़ती रहेशे। संजय राउत द्वारा आ ट्वीट करवामां आव्यो छे। आ शब्दों, मरी जईश परंतु सरेन्डर नहीं करूँ। महाराष्ट्र अने शिवसेना लड़ती रहेशे। एक तरफ संजय राउत नी पूछपरछ माटे ईडीनी टीम संजय राउत ना घरे पहोंची छे। महत्वनुं छे के आ पहेला पण 2-3 वार ईडी द्वारा संजय राउत ने पूछपरछ माटे बोलावामां आव्या हता, परंतु अनेक कारणों आगळ धरी तेओ पूछपरछ माटे न गया। त्यारबाद आखरे ईडीनी टीम संजय राउत ना घरे पहोंची। जो के आज वात नो विरोध करता शिवसैनिको संजय राउत ना घरनी बहार अड़िंगो जमावीने बैठा छे। तो बीजी तरफ संजय राउत द्वारा ट्वीट करवामां आव्युं छे। मुंबई के शिवसेना के सांसद संजय राउत के घर के बाहर आप देख सकते हैं कि यही है उस संजय राउत इनका घर, जो मुंबई में भांडुप इलाके में होता है। और इस जो घर में जब ईडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पे आए हुए हैं, सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है। कहना चाहता हूँ कि इस घर के अंदर जाने के लिए किसी भी अनुमति नहीं दी गई है। जो मुंबई की पुलिस है या अभी आप देख सकते हैं कि एसआरपीएफ जो है वो अंदर जाते हुए दिखाई दे रही है। जो मुंबई की पुलिस है उनको भी अंदर जाना हो तो उनके लिए जो है उनको आईडेंटिटी कार्ड है वो दिखाना होता है। अब जो है 10 से 12 लोग जो है जो ईडी के अधिकारी जो यहाँ पे गए हैं, मुंबई में पत्राचार करके जो जो है एक जमीन का जो विवाद था उसके अंतर्गत जो चलते हुए जो ईडी की जो है कार्रवाई जो चल रही है। संजय राउत जी को 2 बार जो है समन दिया गया, मगर समन दिया जो पहुंचे नहीं थे। इसके बाद जो है ईडी के जो अधिकारी है जो यहाँ पे अपना जो बयान जो है बताना चाहता हूँ कि जो है मुंबई के जो शिवसैनिक जो है वो यहाँ पे संजय राउत
राउत के घर के बाहर क्या मतलब जा रहे हैं क्या गलत वर्ड यूज कर रहे हैं बहुत से निकाल रहे हैं और आने वाले दिनों में जो बीजेपी ये सुनने का राजकारण कर रहे हैं उसका जवाब एक से पत्र से देंगे और उनको उनका असली चेहरा दिखा कर क्या बताएंगे आप यहाँ पे दादा क्या बताएंगे कि ये जो कार्रवाई चल रही है क्यों कार्रवाई की जा रही है क्या ये शिवसेना के शिंदे गट के तरफ नहीं गए इसके लिए तो कार्रवाई नहीं ये पॉलिटिकल एजेंडा है अगर आप देखें।